ओबीसी समाज का अलग से कोटे में कोटा रिजर्वेशन नहीं दिया, उसके लिए बहन जी ने आपत्तियां दर्ज कराई और बहन जी ने इनकी पोल खोल दी कि ये जो इन्होंने लेकर के आए ड्राफ्ट लेकर के आए, ये जब 2024 में लागू नहीं होगा तो तुम क्यों लेके आए भाई, 2024 में क्यों नहीं करोगे लागू, आप बिल पास करो और 2024 से लागू करो, क्या दिक्कत है, हम तो समर्थन में है। बहन जी ने कहा तुम जैसा भी लाओ लाओ तो सही, हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विरोध ये करा कि तुम्हें SC ST OBC का इसमें महिलाओं का रिजर्वेशन देना चाहिए, तो जो बहन जी का स्टैंड है वही हमारा स्टैंड है। क्या मिला इससे? पिछड़ों को मंदिर की घंटी मिली, वो मंदिर बनाते हैं, मंदिरों में जाकर के घंटी बजाओ, वहाँ पर लंगर खाओ और वहाँ पर उनके धर्म को, आपको धर्म की ठेकेदारी दे रखी है, धर्म को अपने कंधे पे उठा करके आगे बढ़ाओ। अभी आ रहा मंदिर का, आ रहा मंदिर बनाएंगे पिछड़े, उनको क्या जरूरत है संसद में जाने की, विधानसभा में जाने की? महिला नहीं जा सकती सांसद? तो वो तो बीजेपी वाले से पूछो ना, बीजेपी वाले जिनके साथ वो लगे हुए हैं मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तमाम जा करके उसको उनके मंदिरों को उनके धर्म को उठाए घूम रहे हैं, तो वो उनसे पूछो तुम्हें मंदिरों में जाना है या तुम्हें संसद में जाना है, तो ये तो उनको सोचना चाहिए और उनको प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए भाई हम तुम्हें एक तरफा समर्थन करते हैं, तुम्हारे मंदिर धर्म हमने अपने ढो रखे हैं कंधों पे, तो हमें भैया हमारी महिलाओं को भेजो। अब ये तो उनको लड़ना है, लेकिन बहन जी फिर भी उनकी लड़ाई को आगे बढ़ा रही है, बीजेपी से ऐतिहासिक कदम बता रही है देश की महिलाओं के लिए। नहीं तो फिर कल पास क्यों नहीं करवाया, क्यों उसको बुरिया बिस्तर बांध करके क्यों ले गए? क्योंकि इनको लग रहा था कि ये तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर देंगे, विरोध कर देंगे तो इसको ये इस्तेमाल करेंगे एक वेपन के रूप में, वहाँ पर 2024 में महिलाओं को कहेंगे 3 राज्यों में, इसमें देखो मोदी जी तो ला रहे थे ये रिजर्वेशन महिलाओं को, लेकिन ये विपक्षी होने देखो नहीं ये चाहते महिलाओं को, तो महिलाओं का वोट लेना चाह रहे थे बेवकूफ़ बना करके, तो इन्होंने सबने कह दिया भाई विरोध तो है हमारा, इसमें ये संशोधन होनी चाहिए, लेकिन तुम लाओ तो सही करो पास, हमारा समर्थन तो है ना, अभी तो लंबा, हाँ वही एक्सपोज करा कि ये महिलाओं को गुमराह कर रहे हो सिर्फ तुम्हारा वोट लेने के लिए, ये 2024 में लागू नहीं होगा, उसके बाद कह रहे हैं कि हम जनगणना कराएंगे, उसके बाद कह रहे हैं कि हम परिसीमन करेंगे सीटों का, अरे भैया क्यों करोगे, जो एग्जिस्टिंग सीट है हम कह रहे हैं उसमें से जो आदमी लड़ते थे उनकी तरह जगह महिलाएं लड़ेंगी 33% और वही कंस्टिट्यूएंसी है, और लड़ा दो 2024 से कर दो लागू, कौन मना कर रहा है, हम SC ST होकर के हम नहीं मना कर रहे, हम कह रहे हैं हमारी माताओं को बहनों को उसमें मिले रिजर्वेशन, और बहन जी ने तो यहाँ तक कहा 33% क्यों भाई, 50% आधी आबादी है, 50% मिलना चाहिए, तो बहन कुमारी मायावती ने इनकी पोल खोल दी और समर्थन भी दिया कि तुम आज से लागू करो, अब तब से क्यों लागू करोगे, तो इसीलिए हमारा पूरी तरह से समर्थन है महिला आरक्षण बिल को, उसमें जो संशोधन होने वो अगर ये नहीं करेंगे तो 2024 में बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बन के वो खुद कर लेगी।